दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं इंदु लग्न के बारे में। आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही, 1000 से ज्यादा रिक्वेस्ट हो चुकी है, इसलिए इस लग्न के बारे में मुझे बताना था किस तरह से फॉर्म होता है, क्या तरीका होता है। आप लोग कहते हैं कि ये भूल जाते हैं बार बार, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से बनाते हैं, जरा आप बोर्ड पे बताइए जिससे समझ जाऊं और फिर दिक्कत ना हो। तो सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा आपको कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है ये, क्या रेलिवेंस। इंदु लग्न का बहुत महत्वपूर्ण है एस्ट्रोलॉजी में, हम कहेंगे स्थान, क्योंकि इसको बृहत पाराशर अगर आप पूरा देखें तो उसमें आपको मिलेगा कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको चंद्र योग के नाम से जानते हैं, जैसे मून योग कहते हैं, उस नाम से कई जगह विवेचन आपको मिलता है इसका। इसी तरह से इसे वेल्थ के बारे में इससे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ की और भी इवेंट्स इससे कैलकुलेट की जाती हैं। अष्टक वर्ग में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब अष्टक वर्ग, जिस दिन मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा, उस दिन इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम वहां पर इसका यूज करते हैं। तो ये आज मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेट करने में किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण समझ लीजिए आप पॉइंट नंबर 1 कि राहु और केतु का कोई महत्व नहीं होता है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं होता है इस योगा में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि ये लग्न जो होता है वो कंस्टेंट वैल्यू पर आधारित होता है। इसका मतलब जो 7 प्लैनेट बाकी बचे हुए हैं सूर्य से लेकर और सैटर्न तक, उनकी कंस्टेंट वैल्यू होती है। वो वैल्यू हमें या तो कहीं नोट करनी होती है या याद करनी होती है, तो आप इसको नोट कर सकते हो या याद कर लीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो चलिए कैसे इसको करते हैं कैलकुलेट, A to Z मैं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा बताई दे रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको आपके हित के वीडियोस देने का प्रयास करता हूं और भविष्य में क्या घटित होने वाला है वो भी पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए देखते हैं इंदु लग्न कैसे होता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले इनकी कंस्टेंट वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कि कंस्टेंट वैल्यू अलग अलग प्लैनेट्स की क्या है, वो हमें याद करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलिए सन को। सन की जो कंस्टेंट वैल्यू है वो होती है हमेशा 30, ये कभी चेंज नहीं होती है। जिस तरह से सबसे ज्यादा वैल्यू, उस तरह सबसे ज्यादा इसको हमने स्पेस दे दिया। उसके बाद आ जाइए मून पे, मून की कंस्टेंट वैल्यू होती है 16। थर्ड इज मार्स, कंस्टेंट वैल्यू होती है 6। फोर्थ इज मरकरी, कंस्टेंट वैल्यू होती है 8। फिफ्थ इज जुपिटर, कंस्टेंट वैल्यू होती है 10। वीनस 6th, 12 कंस्टेंट वैल्यू, एंड लास्ट सैटर्न कंस्टेंट वैल्यू 1। सबसे कम, सबसे ज्यादा सूर्य की, सबसे कम सैटर्न की। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो इनकी वैल्यू होती है ये आपको हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि यही हमें आगे प्लेस करनी होगी समय समय पर, जब भी हमें ये निकालना होगा। बेसिक यही है, कंस्टेंट कभी चेंज नहीं होती है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। ये जब कंस्टेंट वैल्यू हमने जान ली, उसके बाद में हम आपको बताते हैं फिर हमें क्या करना है आगे। अब हम इसी को एक चार्ट में बदल देते हैं एग्जांपल के तौर पे, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि कैसे हम आगे का काम करेंगे। चलिए, ये हमने एक चार्ट बनाया आपके लिए, ये किसी भी आप लग्न का बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए ट्वेल्व 1 2 3 4, मान लीजिए ये चार्ट बना दिया। अब हमें इसमें दो चीजें देखनी होती हैं, दो महत्वपूर्ण। अभी बताया था बृहत पाराशर जो है उसमें क्या है, उसमें इसे मून योग भी कहते हैं, तो इसका मतलब मून का बहुत महत्व है। लग्ना बीच में, तो लग्ना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लग्न से 9th हाउस देखते हैं, 9th हाउस हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमने यहां से 9th हाउस देखा, तो ये बना जाके ये यहां पर कौन सा साइन है, यहां पर साइन है लियो, इसका मतलब है सिंह। इसका लॉर्ड कौन होता है, सूर्य। सूर्य की कंस्टेंट वैल्यू क्या थी, 30। तो सबसे पहले 30 लिख लीजिए प्लस। अब हमें इसमें देखना होता मून कहां पर प्लेस्ड है।
तो चलो मून को कहीं पर भी प्लेस कर लेते हैं। मान लीजिए चलिए मून को यहां हमने थर्ड प्लेस पे कर दिया, थर्ड हाउस में कर दिया प्लेस। अब थर्ड हाउस से अगर कैलकुलेट करेंगे नाइन्थ हाउस, क्योंकि यहां से नाइन्थ हाउस कैलकुलेट कर लिया, मून से भी नाइन्थ हाउस करेंगे, दोनों से नाइन्थ हाउस ही कैलकुलेट होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इलेवंथ हाउस हुआ। इलेवंथ हाउस में कौन सा साइन है? लिब्रा, इसका मतलब तुला। तुला का कौन होता है लॉर्ड? वीनस। वीनस की वैल्यू क्या थी? जो कंस्टेंट वैल्यू थी, दैट वाज 12। यहां पर लिख लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ कि इसकी, इसके लॉर्ड की भी वैल्यू आ गई कंस्टेंट, और इसके लॉर्ड की भी कंस्टेंट वैल्यू आ गई, दोनों 30 + 12 = 42 हो गए 42। अब क्या करना है? अब ये करना है कि जो भी इस तरह से आए आपके पास सम, ये सम है टोटल, जिसको आप जोड़ कहते हो, उसमें हमेशा 12 का डिवीजन देना होता है, क्योंकि 12 हमारे हाउसेज हैं, 12 का डिवीजन देना है। तो हम क्या करेंगे कि भाग डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे इसको। ये क्या हो गया? डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया। जितने बार भाग जाएगा वो क्या होगा? कोसेंट होगा, और जो बचेगा उसे रिमाइंडर कहेंगे। चार ही पार्ट होते हैं इसमें। तो हमने 12 से 42 को डिवाइड किया, 12 थ्री जा 36। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें अब 36 से कोई लेना देना नहीं, 12 से कोई लेना देना नहीं, 42 से कोई लेना देना नहीं, तीनों हमारे लिए अब इररिलेवेंट हो गए। जैसे ही 12 3 जा 36 किया, इन तीनों को भूल जाओ। चौथा जो बचा, जिसको रिमाइंडर कहते हो, वो कितना बचा? 6 बचा। 12 3 जा 36, 42 से माइनस किया तो 6 बचा। ये हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट है, यही हमारे लिए रेलिवेंट है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो हम मून से कैलकुलेट करेंगे उतने हाउसेज आगे। देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये जो हुआ यही हमारा बना इंदु लग्न, ये इंदु लग्न बना। ध्यान रखिए दो तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण। अगर 12 से डिवाइड करने के बाद में मान लीजिए 36 आता सम, और 12 से डिवाइड करते तो क्या होता है? 12 3 जा 36, इसका मतलब जीरो बचता, तो वो कभी जीरो नहीं होता है, उस जीरो को हमेशा 12 कहिए, जीरो को 12 कहिए। अगर मान लो जीरो बचता तो हम क्या करते पता है? तो हम ये करते कि हम मून से 12 गिनते, तो मून से 12 क्या होता? ये होता जाके मून से 12 ये वाला होता, इसका मतलब ये बनता जाके कैप्रिकॉर्न। क्लियर हो गया? तो कैप्रिकॉर्न का मतलब है फिर ये हमारा ये लग्न बनता जाके। तो आप ध्यान रखिए, अगर जीरो बचेगा तो उसे 12 काउंट किया जाएगा, और अगर 1 बचेगा तो यही काउंट होगा, तो फिर यही बनेगा, मींस एक्वेरियस ही बनेगा। अब समझ में आ गया? 12 होगा तो ये, और 1 होगा तो ये। इस तरह से क्या बन गया हमारा? ये इंदु लग्न तैयार हो गया, 6 आ गया। अब क्या करेंगे? देखो यहां से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कैंसर हुआ। अब मैं आपको नया चार्ट बना के बता देता हूं, इंदु लग्न को वहां स्थापित करके आपको बता देता हूं कि किस तरह से हमारा जो है वो चार्ट तैयार हो जाएगा। कौन सा बना था? कैंसर। यहां पे स्थापित कर दीजिए, मून से 6 क्या था? कैंसर। इसको कर दिया, क्या बन गया? ये इंदु लग्न। अब सब प्लेस कर दीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये बन गया हमारा इंदु लग्न का चार्ट। क्लियर हो गया? अब जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं उसमें, उन सबको जगह जगह उसी राशि में उसी साइन में प्लैनेट्स रख दीजिए, और हमारा नया चार्ट तैयार हो गया बेस्ड ऑन इंदु लग्न। अब आप समझ गए होंगे, हमें चार महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखने हैं। द कंस्टेंट वैल्यू अलग अलग प्लैनेट्स की बहुत जरूरी है, 7 प्लैनेट्स हैं उनकी सबकी, याद है 13, 16, उसके बाद 6, 8, 10, 12 and 1, ठीक है, वो पूरी याद हो गई। उसके बाद में दूसरा क्या बताया था कि उसी आधार पे सम अप कर देना है मुझे, या आपको जो भी इसको कैलकुलेट कर रहा हो, लग्न से 9th और मून से 9th, दोनों को सम अप करके और 12 से डिवाइड कर देना है। भूल जाना है हमें डिवाइजर को, डिविडेंड को, कोसेंट को, तीनों को। क्या याद रखना है? केवल रिमाइंडर को याद रखना है। रिमाइंडर होगा वही हमारा बनेगा इंदु लग्न। कैसे? चंद्रमा से आगे उतना कैलकुलेट करके। अब यहां पे 6 बचा था तो चंद्रमा यहां पे था, यहां से हमने छठा यहां तक आया था, और यहां पर क्या था? यहां पर था कैंसर। देख लीजिए कैंसर यहां रख दिया, बन गया ये इंदु लग्न। जैसे प्लैनेट्स हैं उनको वैसा ही प्लेस कर दीजिए, दैट्स ऑल।
समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है वो आप लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंदु लग्न को वर्कआउट करने में। इसका मैं और आपको भाग दूंगा जब मैं आपको अष्टक वर्ग बताऊंगा कभी, और साथ ही और जब कभी ऐसा कोई चार्ट में जब डिफाइन कर रहा हूंगा, एनालाइज कर रहा हूंगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स इससे निकाल के दिखाऊंगा आपको, प्रॉस्पेरिटी वेल्थ वो भी दिखाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा देखो ये लग्न कब काम आता है और कितना काम आता है, बहुत इसको जो है यूज किया जाता है इंदु लग्न को। तो फ्रेंड्स आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने आपके सभी जो भी प्रॉब्लम्स थे वो एड्रेस कर दिए, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इंदु लग्न को तुरंत डिफाइन कर पाएंगे और उससे आगे वर्कआउट भी कर पाएंगे। अगला वीडियो जल्दी मैं किसी और विषय पर आपको दूंगा, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।